यूपी के रामपुर में शहर सीट पर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदान के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। इस मामले में आज रामपुर जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर विशेष जानकारी दी। साथ ही SP राम कुमार ने भी चुनाव को लेकर कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच यह उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद यूपी विधानसभा में रिक्त हुई 11 सीटों पर भी उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में उपचुनाव कराने का भी कार्यक्रम जारी कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी होते ही जिले भर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उपचुनाव रामपुर सीट पर भी होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में रामपुर शहर से विधायक रहे मोहम्मद आजम खान जीत गए थे, जिसके बाद वह सांसद बन गए थे। सांसद बनने के बाद आजम खान ने विधायक सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शहर विधायक की सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग की ओर से शहर विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 24 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। इसके लिए 23 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। रामपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए हमारी तरफ से तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी, यानी 23 सितंबर को। और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है, और इसकी स्क्रूटनी यानी उसकी जांच जितने नामांकन होंगे उनकी 1 अक्टूबर को की जाएगी, और 3 अक्टूबर तक नाम वापसी किए जा सकते हैं। मतदान 21 अक्टूबर को होगा तथा इसमें मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। कुल मिलाकर हमें 27 अक्टूबर से पूर्व मतदान की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। 27 रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में फिलहाल टोटल मतदाताओं की संख्या 3,90,725 है, जो हमारी कुल जनसंख्या 5,54,580 है। उसके सापेक्ष जो हमारे मतदाता हैं वो 3,90,725 हैं। हमारे मतदेय स्थल 428 हैं और मतदान केंद्र 163 हैं। हमारे पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,11,536 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,79,158 है, और जिसमें अन्य वोटर 31 हैं। हमारे रामपुर 37 रामपुर विधानसभा निर्वाचन के विधानसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन के लिए ये पूरे जो विधानसभा होगी वो 4 जोन में बांटी जाएगी, और इसमें 27 सेक्टर होंगे। हमें जितने EVM और VVPAT चाहिए निर्वाचन के लिए उनकी उपलब्धता पूरी है, और उनकी जितनी प्रक्रियात्मक कार्यविधि है सारी स्टार्ट कर दी गई है, और उनके जांच वगैरह जांच के लिए और जो इंजीनियर्स वगैरह को बुलाने की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। उद्घोषणा उपनिर्वाचन की उद्घोषणा के साथ ही यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, यानी आचार संहिता, और आचार संहिता के अनुपालन में की जाने वाली सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। जनपद के प्रत्येक ये जो आचार संहिता वो पूरे जनपद में लागू है, इसलिए जनपद के प्रत्येक जो उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार और साथ ही जितने नगर पालिका नगर पंचायतें हैं सबको सूचित कर दिया गया है कि जितने आचार संहिता के दौरान कार्य की जाने वाली सारी चीज़ों को वो करें। हमने लोकसभा निर्वाचन के दौरान जो जो चीज़ें की थी, जो जो उपाय किए थे, वो सारे उपाय इस बार भी करेंगे और उससे भी बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि निर्वाचन मतदाताओं के लिए सुखद अनुभव हो। हमने मतदान को सुरक्षित तरीके से करने के लिए जो पहले की प्रक्रिया है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, वो हमने की हुई है, जिसमें से कुल वल्नरेबल बूथ 4 हैं, केंद्र 3 हैं, और क्रिटिकल और वल्नरेबल में अगर देखें तो 37 रामपुर में टोटल क्रिटिकल बूथों की संख्या 28 है और मतदेय स्थलों की संख्या 88 है। इस उद्घोषणा के बाद अब आचार संहिता के क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया 72 घंटे के अंदर है वो करने के बाद इन सारी चीज़ों की फिर से समीक्षा की जाएगी, विभिन्न बैठकें की जाएगी, और ये सारी चीज़ों को जैसी समीक्षा के दौरान आएगा उसके हिसाब से परिवर्तित भी कर सकते हैं। जो
विधानसभा रामपुर 37 ये तो जो इलेक्शन क्लियर हुए हैं उसके लिए विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। फिलहाल 3 टीमें जो फ्लाइंग स्क्वाड की हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। इसी के साथ साथ स्टैटिक सर्विलांस टीम जो है 3 टीमें वो डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं बॉर्डर्स पे चेकिंग की व्यवस्था रहेगी और जो कल से नॉमिनेशन स्टार्ट है उसके लिए 4 क्षेत्राधिकारी 11 थाना प्रभारी 8 इंस्पेक्टर 29 सब इंस्पेक्टर 73 हेड कांस्टेबल 139 कांस्टेबल 30 महिला कांस्टेबल 8 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 2 सेक्शन पीएसी और 2 फायर टेंडर की व्यवस्था नॉमिनेशन के लिए तो की जाएगी। और इसके अलावा जो सभी पोलिंग सेंटर्स हैं पोलिंग बूथ्स हैं उसके मानकों के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाए। आपके किसी को कोई प्रश्न हो कुछ पूछना हो इसमें कुल हमारे 5 थाने हैं जो इलेक्शन से संबंधित हैं जिसमें कि थाना क्षेत्र कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र गंज थाना क्षेत्र पटवाई और थाना क्षेत्र शहजादनगर के एरियाज में जो पोल है वो रहे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।